दोस्तों जिनकी लांड मशीन चलती है वो पूरे दिन ऐसे ही नाज ढोते हैं। मोटा भाई इसी तरह से धीरे धीरे नाज ढोते हैं सुबह से रात तक। ये देखें दोस्तों, बड़ी मेहनत का काम है, बहुत बहुत मेहनत का। दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए घर आ गया था, ट्रॉली खेत में छोड़ दी थी, मिंदर भाई उसे धो रहा है। क्योंकि दोस्तों किसी की चीज़ लें तो उसे जैसी लेते हैं वैसी तो कम से कम उसे देना चाहिए। तो दोस्तों अब ट्रैक्टर लेके चलेंगे, ट्रैक्टर पे बैठ के चलेंगे, थोड़ा आराम कर लिया है, शाम की चाय पी ली है, मिंदर भाई के लिए भी लेके चलेंगे। खुलिया अभी रहेगा कुछ दिन ऐसे ही, तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं काम फटाफट, फिर से लेके चलते हैं, ट्रॉली जोड़ेंगे। दोस्तों बबलू भाई ने प्रोग्राम बदल दिया है, बबलू भाई इस पर टीलर लेके चल रहे हैं। खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है दोस्तों, हमारे सारे फॉर्मूले अब की बार उल्टे पड़ रहे हैं कि हम जो था पलेवा करके बोते थे तो धूल अपनी इतनी उठ नहीं पाती थी, बबलू भाई तेल डाल रहे हैं। और दोस्तों आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि चाय का डिब्बा हाथ में से छूट गया है, क्योंकि मिंदर ने दफेरी में 3 बार कोल्ड ड्रिंक पी है आज, थाली डोलते रहे, कई दिन से छोल भी बंद है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक पीता पीता ही मुझे नू कह रहा था, मुंह में उसके कोल्ड ड्रिंक थी, कि चाय जरूर लाना, एक चाय घूंट लाना। तो दोस्तों मेरे मन में ये निकली कि जब तू ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो तुझे चाय की क्या दिक्कत है। मन में मेरे किसी तरह की दिक्कत हुई, तो वही बात थी कि मन में नाखुशी थी, तो नाखुशी इस रूप में सामने आई, देखें। लेकिन उसके लायक उसके नसीब की चाय, इसमें एक गिलासी अब भी बच गई है जो लेकर चल रहे हैं अभी, यहाँ थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, चलते हैं फटाफट। और इस कांड के बाद मेरा मुंह ऐसा हो रहा है सैड, वो चक्कर हुआ ना, हम तो डेली चाय पी रहे हैं और आपको भी प्यारे हैं, लेकिन धरती माता को नहीं प्यारे थे। धरती माता ने जो है अपने हिस्से की चाय ले ली है। दोस्तों चाय बिखरने के बाद में अब दूसरा ये है कि इस छोटे मेस्सी की 3 चाबी खूगी हैं, तो अब मुझे भी अभी की तरह मोटरसाइकिल की चाबी से ये स्टार्ट करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी चाबी जिससे मैं इसे 2 दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ वो बबलू भाई ले गए हैं। अब इसे लिए चलते हैं, ट्रॉली लानी है, इस पर ही बुग्गी छोड़ लेते हैं। दोस्तों अभी से स्टार्ट कर लेते हैं इससे, भाई वाह। दोस्तों चाबी ये निकाल के जेब में डालनी पड़ेगी, कभी ये गिर के हो जाए। ओहो चलो चलो। दोस्तों बबलू भाई तोता टीलर लेके चल दिए हैं, वो उसका एक खुरपा उतरा पड़ा है, कुछ और रह गया होगा। और दोस्तों मैंने इसे छोड़ लिया है, यहाँ से छोड़ दिया है। अब इसमें ट्रॉली लाएंगे, ये इसमें पत्थर लगाएंगे जो उन्होंने 4x4 ने बोल्ट तोड़ दिए थे। दोस्तों 4x4 ने ये बोल्ट तोड़ दिए थे यहाँ से, देखो ये और किन्ने तोड़ा था, अच्छा जड़ 4x4 छप्पन है, हम इसका टीलर है। अच्छा जी, अच्छा, तो यो इसकी तो ये मक्खी सी टूट गई, क्या हुआ है इसमें भैया, 22-23 ट्रैक्टर बदल दिए टीलर ने। हाँ, चल गया भाई बहुत। और मैंने कह रहा जाना कितने डैमो पे भी चल गया, और डैमो में तो ऐसी अड़ जाए, सही कह रहे हैं। अब क्या जो है अपने खेत की जड़ निकलवाओ, टीलर को नुकसान हुआ। दोस्तों जड़ निकलवाते हैं, चलते हैं फटाफट इसे लेके। दोस्तों लिए चलते हैं इसे फटाफट, यहाँ जो है चिंग चौंग चल रही है मैकेनिक पड़े। दोस्तों इसी के साथ बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है, और यहाँ गन्ना के इसी फूका या इसने मूडा फूका, ताई आग सी कैसा लगी यहाँ, मूडा फूका क्या हुआ, ओहो इसने मूडा फूका, छिंग चौंग। अच्छा दोस्तों यहाँ गन्नों में ततैया हो रहे थे, तो इन्होंने जरा सा पीछे छूट आया इससे, अब इसे बैक कर लेते हैं छुटको महाराज को। गड़बड़ हो रही है तो दोस्तों मिंदर को छोड़ गए थे हम ट्रॉली साफ करने के लिए, लेकिन उसने कैसी ट्रॉली साफ करी है आपको अभी दिखाते हैं, किस तरह से उसने ट्रॉली को मांझा है। क्योंकि दोस्तों हम थे यहाँ या रहते तो मजा और था, अब कई तरह के बहाने हैं कि बिजली भाग गई होगी या कुछ भी हो गया होगा, हम रहे नहीं यहाँ। तो अभी आपको दिखाते हैं, मिंदर पहुंच गया है,
यहां से दावत जो चल रही थी चाचा की एक बुआ ने पहुंच गया है टिंग टोंग, वो देखें आप। चलो जी कोई बात नहीं, ट्रॉली तो हम समर सेबिल से समक सेबिल से भी धो लेंगे, कोई बात नहीं, चलो इसे लिए चलते हैं फटाफट। दोस्तों हमारा ये दांव भी उल्टा पड़ा कि मैं जैसे ट्रैक्टर पे उन्हें पैसे देने चला गया था तो मैं इसके भरोसे छोड़ गया था कि ये ट्रॉली धो देगा। इसने नाके के सामने जैसे पानी चल रहा होगा थोड़ी बहुत धोई, कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ से बन रही है चाहे कहीं से बन रही है। अब दोस्तों इस पर घर ले जाकर फटाफट समर सेबिल मारना पड़ेगा, उल्हाने का काम हो गया, कोई बात नहीं, चलो चल के इसे सौंप देते हैं, उन्हें धो देते हैं। और दोस्तों यहाँ के बाद ताई को गठिया उठवा देते हैं। और दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ जो है इनकी जमकर पार्टी चली, लाइटर वगैरह सारे सामान इनके यहीं पड़े हैं, फिर ये यहीं छाया में लेट गए होंगे पी खा के, अब वो वहाँ दावत में चल रहा है। और दोस्तों यहाँ के बाद ये देखें, ये गोबर हमने अपना इतना, दोस्तों डलना तो ये भी था, इसकी भी पूर्ति होनी थी, वहाँ उसमें गोबर थोड़ा सा कम डला है, हल्का डला है, बहुत ज़्यादा बबलू भाई मानने नहीं है, सूखे खेत को टीलर से फाड़ने आ गए हैं कि कंप्यूटर के बाद में टीलर चलना जरूरी है, लेकिन दोस्तों ये भूल गए हैं। अभी आप धूल के गुब्बार देखना कि किस तरह की, कितना ज़्यादा खेत सूख गया, हम करीब कई साल बाद जो है सूखा खेत बो रहे हैं, कई साल से हमने सूखा खेत बोया नहीं था। और ये जो सामान यहाँ से समेटना था ये बाद में समेटेंगे, अब फटाफट ट्रॉली ले कर चलते हैं और खड़ी करते हैं उसे ले जाकर। खेत दिखा देता हूँ गोबर डलने के बाद कैसा लग रहा है, ये देखें दोस्तों लेवर ऐसा ही काम करती है कि एक ढेरी वहाँ उतरनी थी, फिर एक वहाँ उतरनी थी, फिर एक कोने में यहाँ, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कम ज़्यादा हो जाएगा इधर से उधर उधर से उधर, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा गोबर की खाद नहीं डालनी थी हमें खेत में, बिल्कुल सही डल गई है। अब ये डले इधर से उधर उधर, कहीं खाद का खाद डल जाएगा, कहीं उसका पानी बह जाएगा, तो उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि तूफान इतना ज़्यादा तूफान चल रहा है चारों तरफ के क्या कह सकते हैं। अब देखें बबलू भाई जुताई कर रहे हैं, और दोस्तों जितनी मैं सोच रहा था उतनी ज़्यादा धूल नहीं उड़ रही है, शायद उस तरफ उड़ेगी, वो ज़्यादा सूखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप टीलर चला देंगे सुबह, इसमें पर रूटर चलाएंगे। वेल डन माय बॉय, रिंगम फाइन। अरे जड़ेगा टीलर है भैया, लालच ना करे बबलू, जड़े खराब कर देंगे, परेप कर ले, यहाँ भी जड़ आग गए। दोस्तों पेड़ लगाने का सबसे भारी भरकम नुकसान यही है, और दोस्तों अभी ये कई साल यहाँ से पीछा नहीं छूटना, इनसे मुसीबत है बहुत, नुके जी मंदा चल रहा है बहुत मंदा, बेटा आज ना कल पीछा छूटेगा यार, आगे की नहीं, हम बालकों को बता देंगे कि भैया अपना 12 पे रखो, एक आध पेड़ और छुट्टी, ये देखो और वहाँ तक बहुत ज़्यादा मुसीबत किसान को, आदमी मिलते नहीं किसी भी तरह से, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत, लेकिन कोई नहीं, डटकर सामना करें, घबराए ना बिल्कुल भी, टिंग टोंग। दोस्तों ये देखें धूल धकाड़ी धूल धकाड़ी धूल धकाड़ी, दोस्तों यहाँ से सारा सामान ट्यूबवेल में रखे है, ये टोकरे वगैरह लेके आ, ट्रॉली मुझे धोनी है अभी जाके, तो अंश को और उसके चाचू को छोड़कर मैं जुताई करते हुए फटाफट ट्रॉली लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों एक डेढ़ घंटा लग जाएगा धोने में इसे, तो चल के इसे धो के उन्हें सौंप देते हैं। दोस्तों घेर में लेकर आ लिए हैं, और अब जो है इसे पीछे हटा के वहां साथ के साथ ही इसमें समर सेबिल मार देते हैं। दोस्तों हमारी तो कभी किसी ने धोई नहीं, हमारी तो किसी ने गोबर ढोया कुछ भी करा ऐसे ही खड़ी कर दी बस हमें, लेकिन दोस्तों हमारा थोड़ा सा सिस्टम अलग है, हमें दो वो के देनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ लगा दी है फटाक से, इसे धोकर समर सेबिल से ओके करके इधर खड़ी कर देते हैं यहाँ पर। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, अब ट्रॉली जो है छोड़ दिया, देखें बिल्कुल चकाचक कर दी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल धोकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ये देखें बिल्कुल साफ कर दिया, बढ़िया। दोस्तों ऐसी ली थी साफ बिल्कुल, और ये पिन लग गई है, देखो डिग्गा डिग्गा कितना बढ़िया है इसका, ये सेटिंग होती है यार, देखो डिग्गे की बनावट देखें कितनी अच्छी है, ये चैनर का बना हुआ डिग्गा है, ये आइडिया भी आप ले सकते हैं।
दोस्तों आज के टाइम में ऐसी पौने दो दो लाख रुपए की ट्रॉली बन रही है। ये तो उस टाइम पे एकदम से बहुत ज़्यादा है, लोहे में गिरावट आई थी। और जब ये तीन चार ट्रॉली तुरंत ही परिवार वालों ने बना ली थी फटाक से, नहीं तो उस टाइम तक वही शेरनी दहाड़ रही थी सारे ट्रैक्टरों पर अकेली। तो दोस्तों अब चले चलते हैं फटाक से फुर, दोस्तों चले चलते हैं। आ लिया, चल तो भैया आ जा तो। बाबू एक बार डाले धरवा दे भाई। वो भी आ जाएगा, एक ईंट लगा दी। हाँ एक लगा दो, फिर इस पर से उतर जाएगी। दोस्तों ट्रॉली धो के घर पहुंच लिए हैं और इसे बैक में लगाएंगे वहां ईच पे बुग्गी पे। लो गियर में चल रहा है। पापा जी नमस्ते। दोस्तों इसे ढाल पे ऊपर नहीं छोड़ते हैं क्योंकि अभी पीछे सामान है। अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है इसलिए इसे नीचे खड़ा कर देते हैं। तो मुझे बीच में काम छोड़ गया आना पड़ा, बबलू भाई फोन नहीं उठा रहे थे, मम्मी परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा। तो दोस्तों अब साथ के साथ ही दोनों भाई बिल्कुल फिट हैं, खेत में जुताई कर रहे थे। तो मिंदर बोगी एक उनकी भैया, चल भाई बहुत बढ़िया है, वो भी बाहर उतरा। दोस्तों एक बार इसके खुरपे साफ कर देता हूँ। मेरे इस तरह के कामों से बबलू भाई बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये मिट्टी बिना मतलब में वहां जाकर पड़ेगी, फिर इस पर जो है तेल लगा के रख देंगे इसे। भाई कर तो दी तुमने 16 बीघे की जुताई, दुभाई है ट्रैक्टर की सिकल देख लो और अपनी भी देख लो और सिमल के बैठिए, तड़की से बीज भी करना, ओटी हो रहा। हाँ जी मैं तो 4 बजे मैं तो सोने कहीं नहीं, मैं तो अब जाके मंत्र मार के खाना खा के घूमू मैं थोड़ी देर और फिर आकर रात को यहाँ बैटरी जला के गंडे काटूंगा। मेरे यार ऐसी बात करें, सारे दिन तो हांड तो होगी, कभी यो खार कभी वो खार, चचा से भी दावत ले ली और मेरे से भी ले ली। चलते हैं दोस्तों घर। दोस्तों मैं ट्रैक्टर यहाँ खड़ा करके और ये जो जेवड़े मैंने काटे हुए हैं कटड़े का, ये घूमने वाली जो चक्री है ये मिल गई है पुराने वाली, नए वाली नहीं लगा रहे हैं। अब ये बांधेंगे इनके जो इनके बच्चों के काट रखे हैं, गायें का भी जो ये काटा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये गड़बड़ करता है। बीच में मुझे बबलू भाई को देखने जाना पड़ा था, फ़ोन नहीं उठा रहे थे वो। तो ये जो है इसमें जो है ये कढ़ेर बांधी हुई है जो गन्नों की ट्रॉली पर बनती थी बीच में। हाँ आराम से आहिस्ता देखें दोस्तों, कमर देखें, ये स्टाइल देखें इसका। लेकिन फिर भी मैं इसकी बहुत शराबत मान रहा हूँ, इतनी ताकत के साथ में मान जाता है। तो दोस्तों ये करेंगे यहाँ गलामे में डाल देंगे, कढ़ेर खोल देंगे, इसकी फिट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों मुझे फिर आना पड़ा है यहाँ इसे छुड़वाने के लिए। अब ये छोटू भाई वाला महेंद्र हटाते हैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे को, और बब्बू भाई जो है कटड़े की डोज ले आए हैं चिकनाई। चुपी चुप चल रहा है माल, अचानक ही अटैक होगा 100 किन्नों पर। चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, चला 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 चला। दोस्तों यहां से ईंटे उठाई हैं, मंजे के नीचे लगाते हैं। दोस्तों इस बार ऐसा सिस्टम बिगड़ा, ऐसा बिगड़ा के ये हैरो चली नहीं, देखो बिल्कुल जंग लग रहा है, बिल्कुल चली नहीं, किसी भी खेत में चल नहीं पाई। मौसम ने ऐसे पांपाड़ रखे, किसान रात दिन उल्टी सुद्दी ईक बोरे, जिनाल जिसकी नरम है रूटर मारा और खूड़ पाड़ दिए, होश नहीं किसानों को। अब भी दोस्तों पूरा तूफान है आसमान में, बहुत ज़्यादा हवा चलने के बाद मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। एक्सप्रेस गाड़ी बना रखी बताओ जी, खेत में चले आए लो में। बस बस ब्लेड ना मुड़ जा, ब्लेड ना मुड़ जा, आ हा तलवार है अरे तलवार। तो सब उस आग करेंगे, दोस्तों हो गया है काम।
आबी का ट्रैक्टर। दोस्तों बिच्छू पिक्चर की तरह जो बॉबी देओल की थी, सारे एकदम चार चीज बंद टिंग टोंग। दोस्तों ये बांध दिया है बढ़िया तरह। चले परे हो जाए, परे क्यों परे हो जा। तो दोस्तों इस तरह से काम निपटते हैं। करीब 9:45 बज गए हैं, सब सो गए हैं। और दोस्तों मैं अभी अपना पसीना सुखा के 2-3 लवारों के बदले हैं जेवड़े, वो भी आपको दिन में दिखा दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए।